आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जिसका आज 100 दिन पूरा हो गया। यात्रा अभी 2600 किलोमीटर की दूरी को तय कर चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा इस समय राजस्थान में है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने अब तक कई रंग देखे हैं। राहुल गांधी यात्रा के दौरान जहां जहां जा रहे हैं, वहां वह स्थानीय लोगों से मुलाकात करते हैं और उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। यात्रा में राहुल गांधी ज्यादातर सफेद टी शर्ट और ट्राउजर और स्पोर्ट्स शू में नजर आते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एक तस्वीर खूब वायरल हो रही थी। इसमें वह एक जगह भाषण दे रहे थे और उसी दौरान बारिश हो जाती है। राहुल गांधी ने बारिश में भी अपनी भाषण जारी रखी। बारिश में स्पीच देते हुए राहुल गांधी की वो तस्वीर खूब वायरल हुई और लोगों ने भी काफी पसंद किया। राहुल गांधी की इस 100 दिन के भारत जोड़ो यात्रा में काफी उतार चढ़ाव आए और इस भारत जोड़ो यात्रा में काफी अलग अलग बड़े चेहरे भी राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आए। लोगों ने पसंद भी किया तो कुछ लोगों ने नापसंद भी किया। खैर, पसंद नापसंद की बात तो अलग है। अब इस सब के बाद भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए। आज 100 दिन पूरे होने के बाद भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, जिसमें हमेशा की तरह राहुल गांधी आगे आगे चल रहे थे और उनके कार्यकर्ता पीछे पीछे। यात्रा जैसे ही भाजपा कार्यालय के सामने पहुंची, राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया, साथ ही साथ इशारों में उन्हें आने के लिए कहा। राहुल गांधी बोले, नमस्ते करने आ जाओ। इसके बाद राहुल गांधी ने जय श्री राम का नारा लगाया। इस दौरान छत पे खड़े भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया। राहुल गांधी बोले, जय श्री राम न कि जय श्री राम। करीब 25 सेकंड के इस वीडियो को कांग्रेस ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है और लिखा है, भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए और नफरत पर मोहब्बत की जीत हो रही है। राजस्थान की माटी से ये अभिवादन बता रहा है कि जीत हमेशा मोहब्बत की होगी। जय सियाराम। आ जाओ, आ जाओ, नमस्ते करने आ जाओ। जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, नॉट जय श्री राम। तो आपने देखा कि आज जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हुए, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक छोटी सी और कुछ समय के लिए ही लेकिन अच्छी मूवमेंट दिखाई दी। साथ ही साथ कांग्रेस ने भी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए इस वीडियो को साझा किया लोगों से। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम देश दुनिया की खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।